उत्तराखंड के त्यूनी में राजकीय महाविद्यालय में हिंदी के पेपर में 104 में से 99 छात्र फेल हो गए। छात्र संघ उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की मांग कर रहा है। मुंबई कॉलेज में हंगामा, छात्रों का दावा कि पीयूष गोयल के बेटे ने उन्हें सेमिनार में शामिल होने के लिए मजबूर किया। 8 पुलिस वालों ने ठाणे में कूरियर कंपनी की कार से 5.4 करोड़ रुपए चुराए। हिमाचल प्रदेश में 6ठी कक्षा की एक लड़की के साथ उसके सहपाठी के पिता ने कथित तौर पर बलात्कार किया, प्राथमिकी दर्ज। 5 से 16 वर्ष की आयु के लगभग 60% बच्चों पर डिजिटल लत का खतरा, सर्वे। राजस्थान के जयपुर में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 6 की मौत, 1 घायल। पंजाब में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत, 40 को अस्पताल ले जाया गया, 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मंगलुरु शहरी विकास प्राधिकरण के प्रमुख को 25 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। सूखे से निपटने के लिए NDRF अनुदान जारी करने की मांग को लेकर कर्नाटक ने केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कर्नाटक के पूर्व CM HD कुमार स्वामी की दिल की सर्जरी हुई है, जिससे उन्हें चुनावी मैदान में उतरने में देरी होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शनिवार शाम ED कार्यालय में उनसे मुलाकात की, जहां वह उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में है। BJP ने चुनाव तक कन्नड़ अभिनेता शिवराज कुमार की फिल्मों पोस्टरों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की।